स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नदवी कंप्यूटर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम सेल परचेस और स्टॉक मेंटेन करना ये सब एक्सेल के अंदर सीख सकते हैं और प्रॉफिट और लॉस ये कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चले जाते हैं हम शीट टू पर। शीट टू से हम क्या करेंगे, अपनी इसको इस फॉर्मेट को शुरू करेंगे। तो चलिए शीट टू पे जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ शीट टू पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, अभी हमारे सामने जो सिर्फ टैब दिख रहा है, ना तो यहाँ पर रिबन है, ना ही फार्मूला बार है और ये सब नहीं है। तो इसको हम शो करने के लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद में हम यहाँ पर फार्मूला बार पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो रिबन आ रहा है, तो रिबन में क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर आएंगे इस साइड में, सबसे लास्ट में जब जाएंगे यहाँ पर आकर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये पिन यहाँ पर होता है। तो उससे जब आप पिन कर देंगे तो पिन होने के बाद में दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पिन कर दिया। अब ये रिबन हमेशा हमारे सामने दिखेगा। ओके, तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो हेडिंग तैयार करेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सीरियल नंबर ले लेते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। हम यहाँ से सीरियल नंबर हमने ले लिया है और इसको हम नंबर सीरीज नीचे तक ले लेते हैं। ये हमने दोस्तों नंबर सीरीज जो है ये यहाँ तक ले लिया है। अब ये 1-1 आ रहा है तो इसको हमें फिल सीरीज कर देना है। यहाँ से हम थोड़ा सा जैसे नीचे आएंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, फिल सीरीज कर देंगे। तो ये पूरा जो है नंबर्स में आ जाएगा। देखिए आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर्स में आ चुके हैं। अब सीरियल नंबर के बाद में हमें क्या लेना है, हमें लेना है आइटम नेम। तो हम आइटम नेम ले लेते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों कंपनी हम ले लेते हैं, कंपनी नेम। फिर उसके बाद में हम ले लेते हैं मॉडल नंबर, और फिर उसके बाद में हम ले लेते हैं, ये तो दोस्तों हमारा हो गया आइटम का डिटेल हो गया, जो भी हमने आइटम यहाँ पर है उस आइटम का हमारा डिटेल हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो पूरा डिटेल है यहाँ पर हम इसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं तो वहीं से कॉपी कर लूँगा और आपको अलग से टाइप करना होगा मैनुअली। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन सब को पेस्ट कर लिया हुआ है। तो ये आइटम डिटेल हो गया। यहाँ पर हमें एक रो यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। रो इंसर्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे हम प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के द्वारा, तो यहाँ पर रो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमें रो इंसर्ट कर लेना है। रो इंसर्ट करने के बाद में हमें क्या कर लेना है, पहले तो इन सब को हम फिट कर लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पर नेम सारे कट रहे हैं, बहुत सारे नेम है कट रहे हैं। तो फिट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल क्या कर लेना है, कंट्रोल ए से आप क्या कर लीजिए, इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद में शॉर्टकट की है ऑल्ट एच ओ आई। ये देखिए अब ये अपने आप जो है ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, पूरा का पूरा फिट हो चुका है। और इसको सेंटर में हम कर लेते हैं सबको। तो ये सेंटर में आ चुका है। आप यहाँ से चाहे तो फिर इस तरह से, ठीक है, सेंटर में आ चुका है दोस्तों। अब इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे आइटम डिटेल्स, मर्ज करेंगे इन तीनों को, सेल को, चारों सेल को मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे आइटम डिटेल्स। आइटम डिटेल्स हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा सा और आगे हमें काम करना है। अब हमें परचेस का तैयार करना है और परचेस में फिर अब इसके रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, ये तीनों हमें तैयार करना है। तो चलिए हम वो तैयार कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल यहाँ पर टाइप कर लेते हैं रेट, फिर आगे हम टाइप कर लेंगे क्वांटिटी, और फिर इसके बाद में हम अमाउंट हमने टाइप कर लिया। और इन सब को भी दोस्तों हम क्या करेंगे, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट
इन सब को भी हम फिल कर लेंगे। तो फिल करने के लिए फिर से मैं कॉपी पेस्ट, तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फिल कर लिया है पूरा, यहाँ तक हमने नीचे तक इसको फिल कर लिया है। तो अब हमारे सामने रेट और क्वांटिटी और अमाउंट भी आ चुका है। अब ऊपर में भी हम क्या करेंगे, इन तीनों सेल को मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर टाइप कर देंगे परचेस। अभी जितनी फॉर्मेटिंग है दोस्तों ये सब हम बाद में दे देंगे, तो अभी फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं, हमने यहाँ पर परचेस टाइप कर लिया। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे भी हमें काम करना है। तो आगे हमें अब सोल्ड का जो है सेम चीज़ हमें तैयार करनी है, रेट क्वांटिटी और अमाउंट, लेकिन ये हमें सोल्ड का यानी कि हमने जो बेचा है उसका तैयार करना है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे सिंपल, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से हमने कॉपी कर लिया इसको, और इसको भी आप मर्ज कर दीजिए। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करने के बाद में आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए सोल्ड, यानी जो बिका है उसका हमें तैयार करना है। फिर दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, उसके बाद में हमें तैयार करना है दोस्तों स्टॉक का, और फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टॉक का क्वांटिटी और अमाउंट डालना है। तो इन दोनों को हम सिंपल क्या कर लेंगे, कॉपी, फिर उसके बाद में इसको हम पेस्ट कर लेंगे, और इन दोनों को हम मर्ज करके, मर्ज एंड सेंटर करके हम क्या कर देंगे, स्टॉक यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, आगे हमारा प्रॉफिट और लॉस का है। तो प्रॉफिट लॉस को हमें क्या कर लेना है, सिंपल यहाँ से पी टाइप कीजिए, फिर उसके बाद में लॉस के लिए ये और वन पीस यहाँ पर टाइप कर दीजिए, वन पीस पर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ हमारा। ठीक है, ये दोस्तों हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस का। और इसके आगे हमें टाइप कर देना है टोटल जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल लॉस कितना हुआ, एल टाइप कर दीजिए। और दोस्तों उसके बाद में हमें क्या करना है, ऊपर में हमें इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पर हमें टाइप कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके दोस्तों, तो अब ये तो हमारा पूरा डेटा तैयार हो चुका है, और इसमें हमें करना क्या है, आप देखिए कि हमें इन सब के अंदर अभी फिल करना होगा। तो परचेस का हमने तैयार कर लिया है, अब रेट जो है हमें कितने, ये देख सकते हैं आप इधर, यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस का ये तैयार है, और अमाउंट भी जो है कितने में हमने ख़रीदा, और ऊपर से उसके बाद में ये रेट है सोल्ड का, रेट हमने कितने में बेचा, कितना बेचा, और उसके बाद में टोटल कितना अमाउंट हुआ। तो ये जो है बेचने का रेट, और उसके बाद में फिर स्टॉक में कितना बचा, ये सब आ चुका है। तो पहले हम तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन सब को सिलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, ऑल्ट एच ओ आई, इन सब से हमने क्या कर लिया है यहाँ पर, इन सब को बिल्कुल फिट कर लिया है। ओके दोस्तों, अब चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, आइटम डिटेल्स आ गया, अब ऊपर में हमें हेडिंग टाइप करनी होगी, या पहले हम फार्मूला लगा देते हैं फिर उसके बाद में हेडिंग या जो फॉर्मेटिंग हमें देनी होगी वो सब हम बाद में दे देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें रेट टाइप करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो भी बेचा है वो कितने में बेचा है और कितना बेचा है, क्वांटिटी कितना है, कितना बेचा है, और फिर कितना बेचा तो टोटल अमाउंट कितना हुआ हमारे पास में, वो जो है यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों ये जो आपका जो स्टॉक दिख रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, ये है मेन काम आपको इसमें करना है, और इसमें आपको मेन फार्मूला लगाना है, इसके द्वारा आपको शो करना है कि स्टॉक में कितना बचा हुआ है और प्रॉफिट और लॉस में कितना आपका आया। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वांटिटी वाले में काम करेंगे। क्वांटिटी वाले में हमें पता करना है कि हमने जो परचेस किया है इसमें से जो सेल किया, जो बेचा हमने, जो सेल किया है, तो अब स्टॉक में कितना बचा हुआ है हमारे सामने। तो उसके लिए सिंपल आपको फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू, फिर इसके बाद में परचेस वाला जो क्वांटिटी है इस पर क्लिक कर देंगे, और इसको हम माइनस कर देंगे किससे, जो हमने सेल किया है उससे, ये जो क्वांटिटी है उसको हम सेल कर देंगे, उसके बाद में माइनस कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। अब देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है कि हमने 10 परचेस किया था, 10 में से हमने 10 बेच दिए, तो हमारे पास में कितना बचा, जीरो बचा। अब सिंपल इसको डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ से, या फिर ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। तो जैसे आप सिंपल यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा रिजल्ट शो होकर आ जाएगा कि आपने जो है यहाँ पर परचेस किया था कितना। अब ये देख लीजिए यहाँ पर 7 आपने परचेस किया था, इसमें से 6 आपने बेच दिए, अब आपके सामने कितना बचा है, 1 बचा हुआ है। तो ये क्वांटिटी दोस्तों आपके सामने आ चुकी है, स्टॉक की क्वांटिटी आप इस तरह से फार्मूला लगाकर तैयार कर सकते हैं। और स्टॉक का जो अमाउंट है,
इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में परचेज का जो रेट है ना, इसको हम पहले क्लिक कर देंगे और इसको इनटू कर देंगे, जो हमने बेचा है जितने क्वांटिटी को बेचा है उससे हम क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, इनटू कर देंगे। अब इसके बाद में इंटर कर दीजिए। अब ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ चुका है कि स्टॉक में अमाउंट कितना है, 2500 रुपये, क्योंकि 250 को हमने ये 250 रुपये में बेचा है, कितने बेचा है, 10 बेचा है हमने, है ना। तो अब जो है ये हमारा अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। अब इसको डबल क्लिक कर दीजिए, अब आपके सामने स्टॉक का अमाउंट भी आ चुका है। अब इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। अब एक पीस पर हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ उसको देखने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर परचेज का जो रेट है उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, सोल्ड के जो हमने बेचा है उसके रेट को। ओके, अब इंटर कर देंगे हम यहाँ पर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पहले इसको आप, पहले आपको क्या कर लेना है, पहले आपने जो बेचा है उसको ले लेना है, फिर उसके बाद में माइनस कर दीजिए दोस्तों किससे, परचेज के रेट से, उसके बाद में इंटर कर दीजिए। अब आपके सामने रिजल्ट आ चुका है कि हमारा एक पीस पर कितना हमने मुनाफा कमाया, एक पीस पर हमें कितना फ़ायदा हुआ है। तो जो आपने बेचा है उसका आपको वो पहले ले लेना है, फिर उसके बाद में आपको माइनस कर देना है परचेस रेट को। अब यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए, अब आपके सामने पूरा रिजल्ट होकर रिजल्ट आ चुका है कि आपको कितना इसमें फ़ायदा हुआ। जैसे आप देख लीजिए कि परचेस आपने किया था 15,000 में, है ना, और उसके बाद में आपने इसको बेचा कितने में, 20,000 में बेचा, तो एक पीस पर आपको कितना फ़ायदा हुआ, 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एक पीस पर कितना हुआ है इसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। अब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है, तो दोस्तों टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में आपको इसको ले लेना है ना, ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है इसको आपको ले लेना है, वन पीस पर जो प्रॉफिट हुआ है, और फिर इसको आपको इंटू कर देना है किससे, जितने क्वांटिटी आपने बेचे है उससे, है ना, उसके बाद में इंटर कर देंगे। अब देखिए आपके सामने आ चुका है कि टोटल प्रॉफिट हमारे सामने कितना हुआ, ये इतना हमारा 500 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है इसमें। अब इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए सिंपल यहाँ से, अब आपके सामने रिजल्ट आ चुका है सबका कि किस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, आप देख सकते हैं, अब इसी को आप देख लीजिए एक तरह से, आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आपने एक यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदा था, आप देखिए इस वाले सेल, इस वाले में देख लीजिए जिसमें आपको ज़ीरो प्रॉफिट हुआ है। ज़ीरो प्रॉफिट हुआ है क्यों दोस्तों, ज़ीरो प्रॉफिट हुआ है इसलिए कि आपने जितने में ख़रीदा था उतने में ही आपने उसको बेच दिया, तो इसलिए आपको ज़ीरो प्रॉफिट हुआ है। तो रिज़ल्ट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये तो हो गई दोस्तों, ये पूरा हमने डेटा तैयार कर लिया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसमें और भी कुछ काम करना है। पहले इसको हम सिलेक्ट करने के बाद में ऑल्ट एच ओ आई कर देते हैं, इससे क्या है कि पूरा फिट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों एक काम ये करना है कि ऊपर में हमें हेडिंग तैयार करनी है, तो हेडिंग तैयार करने के लिए हम एक सेल लेंगे। सेल लेने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हम रो को सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा एक सेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसको यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे और भी नीचे यहाँ से कर लेंगे, और उसके बाद में इस सबको पूरे को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ये हमने दोस्तों मर्ज एंड सेंटर कर लिया, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे सेल परचेस और फिर स्टॉक मेंटेन और फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस। ओके दोस्तों, ये हो गया, इसको आप यहाँ से थोड़ा सा क्या कर दीजिए। अब बाकी और जो भी फॉर्मेटिंग है वो सब आप यहाँ से दे सकते हैं, आइटम डिटेल्स है, इन सब में अगर आपको फॉर्मेटिंग देनी है यहाँ से तो इन सब को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि एक बार में ही पूरे में फॉर्मेटिंग दे दें, तो एक बार में ही पूरे में फॉर्मेटिंग देने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी जैसे आप प्रेस करेंगे तो देख लीजिए, फिर से सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए।
जैसे आप ओके करेंगे, अब आपके सामने क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग होकर आपके सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आप इसको रहने दें और मैनुअली फॉर्मेट दे तो अच्छा रहेगा। या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो आपने मर्ज एंड सेंटर नहीं किया है सिर्फ उनको आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल टी कर दीजिए, फिर उसके बाद में ओके कर दीजिए, आपके सामने ये रिज़ल्ट आ जाएगा पूरा। और ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दीजिए, टेबल ये अपने आप हट जाएगा। और इसमें दोस्तों और भी चाहते हैं डिज़ाइन आप, तो आप यहाँ से जाकर जिस तरह का भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं उस तरह का डिज़ाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं अपना जो सेल और परचेज का जो आपका रिपोर्ट है वो आप तैयार कर सकते हैं, और भी इसमें दोस्तों फॉर्मेटिंग जिस तरह से आप देना चाहे दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।